और हमारा ये भी सवाल है कि माननीय पंतप्रधान इतने लोग आवाज उठा रहे तो ये क्यों नहीं उसका जवाब दे रहे कि तुम्हारा गलत है, आदिवासी तुम्हारा गलत है, तुम्हारा दलित तुम्हारा गलत है, हमारा सही, ऐसा क्यों नहीं बोलते? नहीं तो वो उसके प्रेस वाले को बोलने को आता नहीं, उनको कभी प्रेस के सामने नहीं जाते हो तो उनके आदमी है ना दस, उनको बोलने का लगे बोलते नहीं। तो हम आखिरी में ये हमारा कहना है कि कल हम पूरे देश में ब्लॉक लेवल पर, गांव लेवल पर, जिला लेवल पर ये माननीय केंद्र शासन और माननीय पंतप्रधान का ये आदिवासी को अपमानित करने का, देश के महिलाओं को अपमानित करने का, लोकशाही को अपमानित करने का, जो 28 तारीख को वो खुद उसका जो उद्घाटन करे, उद्घाटन न करते हुए माननीय राष्ट्रपति के हाथ से वो उद्घाटन करे, उनके हाथ में है, उसकी क्या कोई घटनात्मक कोई बात थोड़ी रहती, वो बोल सकते कि मैं नहीं ये करूंगा, ये इतना बड़ापन दिखाएंगे क्या? मुझे मालूम नहीं दिखाएंगे नहीं। लेकिन सारे 20 जो विपक्षी पार्टियां उनको लगता है कि अभी भी टाइम नहीं गया है, अभी मैं माननीय पंतप्रधान अपना विचार बदल के उनके हाथ से कर, क्योंकि वो मेंबर करके नहीं बुला सकते तुम, क्योंकि वो हेड है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, उनके हाथ से होना चाहिए। तो ये करेंगे, अगर नहीं करते है तो कल हम देश में उसका एक प्रोटेस्ट के तौर पर पूरे ब्लॉक जिला लेवल पर हम आदिवासी लोग उसका निषेध करने वाले हैं, और केंद्र शासन जो खिलाफ में हमारे नीतियां का जो कर रही है उसके भी हम निषेध करते हैं। हमको अपमानित करने का उनको कोई अधिकार नहीं, जब उस पोस्ट पर, ये पोस्ट उनके लिए इसलिए राजकीय करने के, हम राष्ट्रपति बना दिया, हमको मतदान को राजकारण के लिए दिया, ऐसा लगता है हमको ये तुम पॉलिटिकल मतदान के मतदान तुमको मतदान होना है, वोट सोना तुमको इसलिए बना है, ऐसा हमको लगता है। तो हम इस जो ये अगर होता है तो हम हमारे दिल में ये जैसा कि उनका वो संसद भवन का नाम उद्घाटन माननीय पंतप्रधान में किया है वो जैसा उनके दिल में हमेशा रहेगा, लेकिन ये दुख दर्द है हमारे आदिवासी के महिला के दिलों में आखिरी तक रहेगा, ऐसा हमारा कहना। और कल हम उसका प्रोटेस्ट पूरे देश में कर रहे हैं।